हेलो गाइस, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल नेस गेल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी जो सेटअप बॉक्स है उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर कैसे आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, चेंज भी कर सकते हो प्लस एक और नंबर भी रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि आप दो नंबर अपने एयरटेल डिजिटल टीवी में रजिस्टर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें, कोई भी सवाल हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं या फिर यहाँ इस वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का वीडियो आप चाहते हो तो हम आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने एयरटेल थैंक्स ऐप में। अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों पहले इसे डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपने उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करना है जो आपका एयरटेल डिजिटल टीवी में है। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं सब कुछ करके रखा हूँ तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और दोस्तों यहाँ ऊपर ही आपको लिखा नज़र आ जाएगा टू सर्विस, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा सा लोडिंग होगा तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको अपना आईडी जो है नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग फिर से होगा तो आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और नीचे जाना है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट अकाउंट जो है लिखा नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपकी आईडी और यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। मेरे यहाँ दो दिखा रहा है क्योंकि मैंने दो नंबर रजिस्टर करके रखे हैं। दोस्तों, आप भी एक और नंबर भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कैसे आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है चेंज कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे हटाकर जो नया नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। OTP अगर आता है तो OTP ले लीजिए अपने ओल्ड नंबर से और दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप एक और नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है सेकेंडरी रजिस्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप दूसरा नंबर डालना चाहते हो यहाँ पर आपको खाली नज़र आएगा, क्योंकि मैंने एक और रजिस्टर करके रखा है तो इसलिए यहाँ पर नंबर है लेकिन आपके वहाँ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक और नंबर रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर वो वाला डाल देना है, ऊपर वाले को फिर आपने नहीं छेड़ना, नीचे वाले में एक और नंबर डाल देना है। और जैसे ही दोस्तों आप डालोगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाएगा और दोस्तों यहाँ से सेव कर दीजिए बस सिंपली। और बहुत ही आराम से दोस्तों ये दोनों ही काम इतनी ही जल्दी हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सब समझ गए होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें क्योंकि वहाँ पर भी आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।